हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं काली माता ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करने वाला हूँ, और इससे पहले इस ड्राइंग के आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं अभी आइस में कलरिंग कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं पहले बेस लेयर में कलरिंग कर रहा हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स हैं उन सब कलर्स यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ। कलर से शेडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे पेपर ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्मॉल एरियाज है, बाकी कॉटन बर्ड से भी आप ब्लेंड कर सकते हो। आइस में बेस लेयर देने के बाद फेस के ऊपर जो भी रेड एरियाज है, यानी कि अपर हेड और माउथ पे, उन सब एरियाज में मैं रेड कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग करने के बाद इसको भी ब्लेंड कर देंगे। मैं यहाँ पे फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए, आप चाहे तो कॉटन बार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना, अभी जस्ट फेस के ऊपर मैं बेस लेयर दे रहा हूँ और इस लेयर में डिटेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स हैं उन सब कलर्स से पहले शेडिंग करते जाना है, उसके बाद पार्ट पार्ट वाइज उसको ब्लेंड करते जाना है। नेक्स्ट, अभी फेस के जो भी ब्लू एरियाज है उन सब एरियाज में मैं प्रशियन ब्लू कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। सो रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके फेस के ऊपर जो भी डार्क एरियाज है उन सब एरियाज पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, और नॉर्मल एरियाज में लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है। बाकी आप वीडियो में भी देख सकते हैं मैं कहाँ पर किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी व्हाइट कलर्स को यूज़ करके फेस में डार्क एरियाज को छोड़ के जो भी एरियाज है उन सब एरियाज में व्हाइट कलर से अच्छे से शेडिंग करते जाना है। ध्यान रखना, आपको ठीक तरीके से कलर को भरना है, वरना ब्लेंडिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। ओके, फर्स्ट लेयर अब पूरा हो गया है। नेक्स्ट, अब हम इसको फिंगर से ब्लेंड कर देंगे। Thank you.
फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है और अभी सेकेंड लेयर में हमें कलर करेक्शन करना है। क्लियर हो जाने के बाद आपको रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर चाहिए उस कलर से आपको शेडिंग करना है। उसके बाद आपको ब्लेंड करना है। सेकेंड लेयर पे ज़्यादा प्रेशर लगा के ब्लेंड नहीं करना, वरना आपका कलरिंग में पैचेस आ सकते हैं। और लास्ट में डिटेलिंग में डार्क वैल्यूज को देने के लिए मैं यहाँ पर अप्सरा का ग्लास मार्किंग यूज़ कर रहा हूँ, और हाईलाइट देने के लिए मैं यहाँ पर कटर का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अब देखो मैं किस तरह से डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। आईज और उसकी आसपास के एरियाज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी फेस में जहाँ पर मुझे और लाइट वैल्यूज चाहिए उस एरियाज पे मैं वाइट कलर से सिंपली लो प्रेशर पे शेडिंग कर रहा हूँ एंड देन उसको लो प्रेशर से ब्लेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभी रेफरेंस फोटो में फेस के ऊपर देखना थोड़ी वायलेट कलर की इफेक्ट और राइट साइड में ग्रीन कलर की इफेक्ट है, तो जहाँ पे जो भी इफेक्ट है वहाँ पे उस कलर से मैं शेडिंग कर रहा हूँ एंड देन उसको भी लो प्रेशर से ब्लेंड कर देंगे। लास्ट में फेस के ऊपर डार्क वैल्यूज को देने के लिए लो प्रेशर को अप्लाई करके ब्लैक कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ। जहाँ पर ज़्यादा डार्क वैल्यूज चाहिए वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, और जहाँ पर कम डार्क वैल्यूज चाहिए वहाँ पर लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है। नेक्स्ट अभी इसके ऊपर डिटेल वे में हाईलाइट करने के लिए मैं कैची से लो प्रेशर पे शेडिंग टेक्निक से स्क्रैच कर रहा हूँ। एंड लास्ट में ऐसी डिटेलिंग करने के लिए और ज्वेलरी को ऐड करने के लिए मैं अब एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप पोस्टर कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फेस के ऊपर कलर करना है। बाकी मिलते हैं इस ड्राइंग के फाइनल पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।